दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप ज़ीरोधा के अंदर बैंक मॉडिफिकेशन करते हैं, बैंक चेंज करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना होता है, वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो काफ़ी सारे लोगों का बैंक यहाँ पे ज़ीरोधा के अंदर चेंज करना है, तो वो लोग अगर करते हैं तो उन्हें कितना चार्ज देना है, कितना पैसा उनका यहाँ पे चार्ज के तौर पर कटने वाला है, वही सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो काफ़ी सारे लोगों को चेंज करना है और यहाँ पे मॉडिफिकेशन यानी बैंक अकाउंट हम चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो चार्ज लगेगा वो आपको बैंक अकाउंट के लिए जब आपका सक्सेसफुली मॉडिफिकेशन यानी चेंज जब आप सक्सेसफुली कर लोगे तो उसके बाद आपको 25 रुपये यहाँ पे चार्ज देना होगा, और उसके अलावा 18 रुपये मतलब 18% GST भी आपको यहाँ पे देना होगा। जो भी 18% GST बनेगा उसके हिसाब से 25 रुपये और प्लस 18% GST आपके ज़ीरोधा अकाउंट से यहाँ से आपके वॉलेट से आपके फ़ंड में से जो है यहाँ से यहाँ पे जो भी आपका फ़ंड होगा उनमें से जो है पैसा कट हो जाएगा 25 रुपये और 18% GST के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका बैलेंस होगा उनमें से ये पैसा कट होगा। अगर आप बैंक को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पैसा होना चाहिए 25 रुपये और 18% GST के साथ, मतलब मिलकर आपका 40-50 रुपये यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, उससे अलग अगर आपका यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस है और उसमें आप जो है चेंज करना चाहते हैं बैंक को तो वो नहीं होगा। बाकी बैंक अकाउंट को जब भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आपका बैंक जो भी दूसरा बैंक आप ऐड करना चाहते हैं वो आपके खुद के नाम पे ही होना चाहिए, दूसरों का बैंक अकाउंट ज़ीरोधा के अंदर ऐड नहीं कर सकते। अगर करते तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा, ज़ीरोधा की टीम जब क्रॉस चेक करेगी या फिर चेकिंग होगा तब वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी अगर सारी डिटेल जानकारी आपकी सही रहती है तो आपका जो है बैंक वेरीफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद बैंक आपका मॉडिफिकेशन यानी चेंज हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।